बारिशों में बच्चे गिर गए, औरतें गिर गईं। हमने रिक्वेस्ट की एसडीओ मलिक साहब, इसका एस्टीमेट चेक किया आपने? नहीं, मैंने एस्टीमेट चेक नहीं किया। एक एस्टीमेट चेक किया आपने? इधर आओ महेंद्र सदर साहब, बात यह है राइट ऑफ एक्ट पाकिस्तान के तहत आप सरकार का हर डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तुम सियासी आदमी हो वो या ना हो, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है। जो दो टिकट तुम पर्ची लेके देखोगे नहीं ना कि दुकानदार ने मेरा सामान पैक किया, तुम लेके नहीं जाओ। बिल्कुल ठीक है। ऐसे तरीके ना दुकानदार जो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है बनाना है, पैसे मेरे ने, बिल्कुल ठीक है, चेक करना है। अच्छा मैं ना दसो, ये बात सुने, ये गटर ना इस लेवल से 1.5 फुट ऊंचा था, 1.5 फुट ऊंचा। अगर वो क्रेन वाला आया, उसे ये नहीं पता था कि इसे रोड के किस बराबर रखना। मैंने जो पहले बना के गया आया, उसे उन्होंने एस्टीमेट फिगर नहीं दी थी इसकी हाइट कितनी रखनी है। बनने से पहले पूरा एस्टीमेट तैयार होता है, खुदाई होती है, ठीक है। अब मेन हॉल बनते हैं, काम होता है। मेन हॉल बने हैं सब नवा, मेन हॉल साढ़े नवे बने ने। एक मिनट भाई, नवे मैं तो दस मिनट लगा ना। ये सारी लाइन ना जो इधर मैं आपको बताया, परली तरफ अंग्रेज को दौर की है, ये नया, ये नया बात ये है कि जो भी डक्कन मैं बता रहा हूँ आपको, जो क्रेन वाला है ना, उसने सारा ढक्कन तोड़ दिया सारा सामान। अब जो पीछे सड़क बनी है ना, मैंने सारी सफाई करवाई है वासा से, बिल्कुल जीरो जीरो ढक्कन करवाए हैं, ठीक है ना। वो हो गया। अच्छा ढक्कन, मेरी बात सुनो पहले, ढक्कन इन्होंने उस कैपेसिटी के नहीं लाए। इधर तकरीबन हमारा 10 टन कैपेसिटी का माल आता है इधर, ये मलिक साहब को भी पता है। बिल्कुल ठीक है। और ढक्कनों की आप कैपेसिटी जाके देखे 200 kg से अभाव नहीं है। बिल्कुल अभी वो आप जाके देखे कुछ 2-3 कटर के ढक्कन गिरे भी है। मलिक साहब भी हमारा काम नहीं, हम सियासी बंदे नहीं है। पहले बात की आपने, ये आम आदमी का काम है। अगर आप कह रहे हो मेरा काम नहीं है, फिर आपका हक ही नहीं बनता। मेरी बात सुने ना, बंदा नहीं, मैं हम ये कह रहे हैं, तो ये नहीं कहते कि हमजा शहबाज नहीं सही, इमरान नहीं सही, हम तो इस वक्त ये बात कर रहे हैं अपने इलाके की। सही है, हमें चंगी है, कह रहा तुसी चेक ही नहीं कीता। मलिक साहब सारे मासूम आदमी जी, सर मासूम साहब बता रहा हूं। हां जी दसो, ए मासूम साहब ने इथे इलाके दे ए सारा कुछ चेक करो, इन्हें हर चीज का पता जे, किसी ने की लाया, किसी ने की खोदया, किसी ने की टोया मारया, ए हर चीज जानते जे। जी मासूम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक साहब की गल होई कोई तुसे दसे नहीं, आप अपने आंखों से देख लें जो हाल है। काशी साहब उधर उधर दिखाएं। हाँ जी, मस्जिद के पीछे इतना बुरा हाल है कि हम नमाजी जाना छोड़ गए। मस्जिद इधर है, ठीक है। फिर आगे मेन हॉल, मेन हॉल जो मेन हॉल है ना, इतने इतने घड़े बारिशों में बच्चे गिर गए, औरतें गिर गईं। हमने रिक्वेस्ट की एसडीओ। हाँ जी फिर हम अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत की आपने, फिर भी सफाइयां करवाई, पैसे दिए। काम है, मैंने साहब को बताया भी, आगे आ जाएं। पीडब्ल्यूडी का ही काम है ये, मलिक साहब को मैंने पहले भी बताया। और एस्टीमेट चेक करना आपका राइट है, इस सिविल सिस्टम को सबसे पहले बेहतर करना। सड़क या पहले आपको शिकायत और मलिक साहब मिली, फिर तुम कहो मेरी गल भी चुका। मैं चाह रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, आगे चले। लोगों की ये भी शिकायत है कि यहाँ पे कनेक्शन के पैसे लिए जा रहे हैं। जो पर्सनल लोगों ने करवाए हैं कनेक्शन, साहब ने जितने पानी के पाए, इनसे पूछ ले ठेकेदारों से, इन्हें तो पता भी नहीं। हर बंदे का 50-50 मरतबा पानी का पाइप या कुछ ये वो टूटा, काम करते करते तोड़ दिया। अब जिसने तोड़ा है सही भी तो वही करेगा ना। नहीं, वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे इलम में एक मिनट, मेरे इलम में जो बंदा आया है, जो मेरे पास आया है कि जी मेरा ये मसला है, मैंने ठेकेदार को लंके की चोट पर उस पर उससे करवाया काम। काम करो ये उसी मलिक साहब ने करवाया। मलिक साहब तो अभी आए हैं। भजन क्या हाल है भाई साहब? खैरियत है? वो पता चला है कि बड़े हालात खराब है सड़क के बनने के, बहुत ज्यादा हालात खराब है। हम तो आए दिन, हमारे तो मस्जिद के नमाजी कम हो गए इस गंदे पानी के, इस गंदे पानी की वजह से। हमारे जो नमाजी थे ना, अभी कम से कम 1-2 साफ है, जो कम से कम 4-5 सफर है अभी। हमें तो बहुत मुश्किल है इसमें, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सदर साहब कम से कम 2 साल हो गए इनको। सदर साहब कह रहे मैंने, मैं काम करवाता हूँ, मुझे शिकायत आ गई। मलिक साहब कह रहे हैं हो रहा है, 2 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। भले साहब ऐसे एक बात करूं, मैं को 5 दिन पहले यहाँ से गुजरा था जी, जी। मेरे यहाँ तक पानी था, यहाँ मैंने आना तब था, बचत हो गई। आप पानी था ना, हाँ। ये वासा की और ठेकेदार की आपस में लड़ाई थी, चल रही थी। अच्छा, फिर हम रहे थे। हाँ जी। फिर मैंने एक मुकम्मल जहाँ जुलूस लेकर मैं ठेकेदार उधर वासा को ऑफिस गया। अच्छा, वो कह रहा है आप पीडब्ल्यू को शिकायत करें। उसकी बात मलिक साहब आगे है, मतलब आगे आ जाए, गला करते करते आओ। मतलब आप देख रहे ये पीछे वाला मसला हल हो गया, आगे रह गया ये, आगे पानी की वजह से देख लें, अंदर देखें कोई आदमी नहीं हमारी वर्कशॉप में आ रहा है। ये गंदे पानी की वजह से कोई नहीं, ये कारखाने वाले बंद पड़े हैं। भजन क्या हाल है? गाकी बहुत डिस्टर्ब है, क्यों? ये पानी की वजह, ये गटर का जो गंदा पानी है, गंदे पानी की नमाजी भी नहीं आते।
मस्जिद भी खाली है। ये कितने अक्सर से ऐसे ही आ रहा है? 4-5 माह हो गए। सीवरेज सिस्टम नीचे जो था सीवरेज वो सही करवाते थे, ठीक हो जाता था, बाद में फिर ऐसे ही होता है। ठीक करवाते थे कि साफ करवाते थे? साफ, यानी कि क्लीनिंग ठीक नहीं ना हुआ, साफ करवा दिया करते। सदर साहब हमारे पास है, मलिक उमर साहब, कभी लाइए ना शिकायत। बंदे गए ने 2-3 बारी, वो कहते यार मैं मेरी यानी 40 यानी कि अप्रोच नहीं की मैं कर सकता। किने गया? मलिक साहब ने? मलिक साहब इधर आओ, ताड़ी मेहरबानी। मलिक साहब बेचारा मासूम आदमी, वो कह रहे जी मैं मलिक साहब के कोल 2-3 बारी बंदे गए, मलिक साहब ने क्या मेरी कैपेसिटी नहीं की सही कराने की। कदों आए थे मेरे को जनाब? 4 साल से मामला हो रहा है, 4 साल हो गए हैं कि ये काम नहीं हो रहा हमारे इस बाजार का, जो है ना हमारा क्या गाकी क्या सब कुछ खराब हो गया, ख़त्म हो गया है, हमारी दुकानदारी हमारी सारी ख़त्म हो गई है इस सड़क ना बनने की वजह से, ना यहाँ पे गाहक आता है ना रोजगार कमाया जाता है, सारे दुकानदार जिले ख्वार हो रहे हैं इस सिर्फ सड़क की वजह से। मैं तो वरना यहाँ पे इतना काम होता था कि आप सोच नहीं सकते, ये हमारे इस इलाके की लाहौर की मशहूर मरूफ मार्केट है, और मार्केट है, और यकीन करो खाली बैठे हैं, 6-7 साल दुकानों में देखो बंदे खाली बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं, कोई लेना देना, कोई पानी की वजह से अभी तक पानी का ये सिस्टम सही नहीं हुआ अभी तक। इस बदबू में तो बीमार हो जाएंगे। तो सही बीमार क्या, मैं क्या कुछ आता जाता नहीं मच्छर, है मच्छर, नहीं आता। कोई ऐसा मसला नहीं हमारे साथ, कोई किसी ने कोई तामन नहीं किया। हाँ। कि ये जब से जो है 3-4 साल हो गए जब से ये खड्डे थे, बहुत ज्यादा बड़े खड्डे थे, अभी तो ये बट्टे वगैरह इसको डाल के सही किया गया, वरना यहाँ पे खड्डे थे इतने इतने यानी गोटे गोटे पानी होता था। मुझे याद है मैं कुछ ना कोई हफ्ता दो हफ्ता पहले यहाँ से गुजरा था, जी जी सड़क का ये आधा साल पहले भी गुजरा था, बिल्कुल हाल में पता क्या मैंने देखा, और रेडी वाले बेचारे बड़ी मुश्किल से तकरीबन 10-12 दिन से ये काम हो रहा है। हाँ। वरना ये इतना बुरा हाल था कि वजह से रेडी भी नहीं चल रही थी खड्डे के, कई मोटरसाइकिलें सारी की सारी इनके अंदर इन तंदूरों के अंदर चली जाती थी। हाँ जी। मैंने कई बंदे देखे बारिशों में, बारिशें हुई है, इतना हालात खराब थे कि इंसान सोच नहीं सकता। हमारा बंदे भी में गिरे भी हैं, पानी इतना पानी था पता लगता नहीं है, जख्मी हो गए गिरे, 2 बंदे गिरे पानी में गिरे गड्ढे में, एक और भी गिरे, गिरे और भी गिरी था। अच्छा, ये दुमान था वो भी था गिरा भी में, खाने को रोटी नहीं है, पानी रुक नहीं रहा, नए नए जख्म लग जाने के सट आगे दिल से सटा लगी है, ये गली में पानी पकड़े होता है, इधर भी रहता रहता है पानी आता है, जब भी आता है मस्जिद सब दसिया करो, मस्जिद वाला पानी आता है, जब भी आता है मस्जिद मल साहब आओ जी सब चले आओ जी, किधर है बंद कर दो थले बंद बैठे लो, फिर जंगल च मोड़ नाचा किसने देखा, फिर इतने बह के रोला पाई जाओ, हम आपकी निशानदेही कर रहे हैं। 10-20 बंदे गए ने 4 दिन पहले तो कोई साइड सुनी गई है, उस तो पहले कुछ चक्कर नहीं। हाँ, 10-20 बंदे जान की नहीं सुनी जानी चाहिए, ताड़े अपने अंदर दम होना चाहिए कि एम एन ए खलोइए आगे कि पानी दसो काम की जे और कार की बैल बजाओ जाके कि बजाई जाए कार की बैल मतलब गल की जी मर्जी बाहर निकलेगी बजाओ ना बैल जाके कन खोलो ना उन्होंने भावे इमरान खान हो भावे नवाज शरीफ हो शबाज शरीफ हो कभी खबर नहीं पहुंचती ਤਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾੜੀ ਖਬਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਮ ਚ ਗਏ ਸਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦ ਹੈ ਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਬਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵਾਮ ਲੈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਵਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਬਗੈਰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਐਮਐਨ ਐਮ ਪੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਗੰਮੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਗੰਮੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਾਡੀ ਨੂਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਹੀ ਖਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਇਆ बुलवाओ
ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੋ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰਤ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਮੇਤ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਰਗੜ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਆਹੋ।